हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अपर लिम। अपर लिम को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये शोल्डर रीजन, ये अपर आर्म, फिर फोर आर्म और हैंड। ओके, शोल्डर रीजन में ये वाला एरिया आता है। इस शोल्डर रीजन को हम अगेन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पेक्टोरल रीजन होता है, जो चेस्ट के सामने वाला रीजन है, उसको पेक्टोरल रीजन कहते हैं। इसको ब्रेस्ट एरिया भी कहते हैं। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं आर्मपिट या फिर एक्सिला। एंड जो पीछे की तरफ रीजन होता है उसको हम कहते हैं स्कैपुलर रीजन, क्योंकि वहां पर स्कैपुला बोन होती है। ओके, और इस रीजन में दो बोन्स होती हैं। एक होती है आपकी क्लेविकल, ये छोटी बोन है, कोलर बोन कहते हैं, पतली सी बोन जो यहाँ पर दिखाई भी देती है और थिन इन थिन पर्सन में, तो उसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन है। पीछे की तरफ स्कैपुला बोन होती है। ये जो क्लेविकल बोन है यही मेनली इसमें मूव करती है, और क्लेविकल जो है स्टर्नम, ये मिडल वाला पोर्शन है स्टर्नम, उसके साथ अटैच होती है विद दी स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। हमेशा एनाटॉमी में जब भी आप देखेंगे तो आप उन वर्ड्स को बाइफर्केट करके याद रखना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है, उसके बारे में एक आइडिया मिल जाता है। जैसे स्टर्नो, स्टर्नम और क्लेविकल, तो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो क्लेविकल है वो स्कैपुला के में होता है एक एक्रोमियन प्रोसेस, उसके साथ अटैचमेंट बनाती है, तो वहाँ पर जॉइंट बनता है आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल, तो स्कैपुलो सॉरी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है इसमें। फिर हम बात करेंगे कि अपर आर्म, ये जो है अपर आर्म, इसको हम ब्रैकियम भी बोलते हैं। ये शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच वाले एरिया को हम अपर आर्म कहते हैं। यहाँ पर एक ही बोन होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। ओके, और इसमें जो जॉइंट्स है वो शोल्डर जॉइंट हम इस एरिया के अंदर पड़ते हैं। वैसे तो ये शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों के बीच का एरिया कहलाता है। इस एरिया में हम यूजुअली हमने इसको डिवाइड कर लिया कि एक जॉइंट को अपर आर्म में ले लो, एक को फोर आर्म में ले लो, तो इसको हम इसमें शोल्डर जॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है आपका फोर आर्म का एरिया। फोर आर्म का एरिया एल्बो से जो रिस्ट जॉइंट है इसके बीच के एरिया को कहते हैं। यहाँ पे दो बोन होती है, लैटरल साइड में होती है आपकी रेडियस, मीडियल साइड में होती है आपकी अल्ना। इन दोनों के बीच में भी मूवमेंट होती है जो कि रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। इसमें रोटेशनल मूवमेंट होती है। एल्बो पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन का मतलब दोनों ये प्रॉक्सिमल आते हैं, पास पास आते हैं, दूर दूर जाते हैं अपर आर्म एंड फोर आर्म, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ओके, अब आपका है हैंड्स। हैंड को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये रिस्ट वाला एरिया है, रिस्ट, ये हैंड प्रॉपर कहलाता है, और ये जो डिजिट्स होती है जो कि हमारे यहाँ फाइव डिजिट्स होती है अपर आर्म में। फिर जो रिस्ट एरिया है यहाँ पर दो रोज में, एक रो इधर होती है एक रो इधर होती है, तो दो रो में कार्पल बोन होती है, और कार्पल बोन का नंबर होता है आठ, तो वो आठ जो होती है आठ कार्पल बोन होती है। उसके बाद में यहाँ पर मेटाकार्पल जॉइंट्स होती है, मेटाकार्पल बोन्स होती है, मेटाकार्पल होती है फाइव, क्योंकि फाइव फिंगर के हिसाब से यहाँ पर फाइव मेटाकार्पल बोन होती है। ओके, और ये हो गया आपकी फेलेंजिस। फेलेंजिस का क्या है कि यहाँ थंब के लिए तो दो होती हैं और बाकी सब में तीन तीन होती है, वन टू थ्री फेलेंजिस, तो टोटल मिला के 14 फेलेंजिस, यानी आठ आपकी कार्पल बोन है, फाइव मेटाकार्पल है, 14 फेलेंजिस है। ठीक है, अब जो जॉइंट्स की बात करें तो ये हो गया रिस्ट जॉइंट। फिर रिस्ट में कौन सी बोन है, कार्पल जॉइंट बोन है, तो कार्पल के आपस में भी जॉइंट होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, इंटर कार्पल जॉइंट हो गया, कार्पल का मेटाकार्पल के साथ होगा तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, फिर ये मेटाकार्पल आपस में भी जॉइंट करेंगे तो वो क्या हो गया, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, है ना, यानी मेटाकार्पल के बीच वाला जॉइंट उसको इंटर बोला, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। और कार्पल का फिर उसके बाद आपका ये देखो इंटर रिस्ट जॉइंट हो गया, इंटर कार्पल हो गया, कार्पो मेटाकार्पल हो गया, इंटर मेटाकार्पल हो गया, फिर मेटाकार्पल का फेलेंजिस के साथ होगा तो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स हो गए, और ये फेलेंजिस आपस में भी अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, उसमें ये वाला प्रॉक्सिमल होता है और ये वाला डिस्टल होता है। ठीक है, डिस्टल का मतलब अवे फ्रॉम बॉडी, तो ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अब अपर आर्म में हमें ये जॉइंट्स पढ़ने हैं, बोन्स पढ़नी है, डिफरेंट मसल्स पढ़नी है कि कौन कौन सी मसल्स इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होती हैं, उसके साथ साथ हमें इसमें कौन कौन सी मसल्स में क्या आर्टरी सप्लाई होती है, ठीक है, कौन सी आर्टरी जा रही है जो इन मसल्स को सप्लाई कर रही है, और उन मसल्स की नर्व सप्लाई, क्योंकि नर्व में कोई प्रॉब्लम होती है तो डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, वो मसल्स नहीं प्रॉपर काम कर रही है, उसकी कोई डिजीज़ हो रही है, तो नर्व्स हो गई, आर्टरी हो गई, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि डिफरेंट मसल्स का फंक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है कि अपर लिम में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि हमें इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।